गाइस अस्सलाम वालेकुम, अरबाज़ हियर। सो आज हमारा टॉपिक है यूजीसी का न्यू एकेडमिक कैलेंडर। सो ये एकेडमिक कैलेंडर हैज़ बिन डिज़ाइंड आफ्टर जो कोविड की सिचुएशन आई है। कोविड सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो क्लासेस नहीं हुए हैं, तो अपने कुछ जिस वजह से घर में बैठना पड़ा और हम पढ़ नहीं सक रहे, तो इन लोग पुश कर दिए हैं थोड़ा एकेडमिक कैलेंडर्स को 1-2 महीने के लिए, ताकि सब सुकून से हो जाना, ठीक है, एवरीथिंग गोज़ ऑन पीसफुली। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड काउंसलिंग फेस स्टूडेंट्स। काउंसलिंग फेस स्टूडेंट्स वो हैं जो अभी इंटरमीडिएट कर लिए हैं एंड दे हैव टू गेट इन टू ग्रेजुएशन, और जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं एंड दे हैव टू गेट इन टू पोस्ट ग्रेजुएशन, एम टेक, एम फार्म या एम बी ए में जाना है, एम कॉम में। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके नेक्स्ट 6 to 8 months कैसे शेप होने वाले हैं, और आप कितने के लोगों के घर में फंक्शंस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। किसी को ट्रैवल करना है तो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं आप, और आपके प्रिपरेशन जो है एग्जाम्स के, इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं आप। सो आपको एक ग्राफ मिल जाएगा जिससे आपको आपके माइंड में रख लिया तो आप उसके आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम गोना स्टार्ट विथ ओल्ड स्टूडेंट। ओल्ड स्टूडेंट बेसिकली वो है जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर यूजी एंड पीजी में है, अंडर ग्रेजुएशन में। सो जो अपने बच्चे हैं सेकेंड एंड थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में, इंजीनियरिंग में फोर्थ ईयर रहता ना, और पीजी में जो है सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं, सो उन लोगों के लिए मई में रहेगा सिलेबस कंप्लीशन का टाइम दिए हैं यूजीसी, एंड जून में है प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स इन द सेंस लैब्स जो रहते हैं, लैब प्रैक्टिकल्स, और जुलाई में फाइनल्स। सो दिस इज द मिस्ट्री, जुलाई में फाइनल्स रहने वाले हैं ये बार। एंड द न्यू एकेडमिक सेशन इज गोना स्टार्ट फ्रॉम 1st of August 2020, 1st August से स्टार्ट होने वाले हैं ओल्ड स्टूडेंट्स के वास्ते, ठीक है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर आपका जो है 1st August 2020 से शुरू होने वाला है, उससे पहले आपके फाइनल्स एग्जाम रहेंगे, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स इन द सेंस जो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, और है सो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर भी कंप्लीट कर लिए हैं या आर इन फाइनल ईयर जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है, तो उन लोगों के लिए जो है ये 30 तो कॉमन है उन लोगों के लिए जो फाइनल एग्जाम्स हैं। उन लोगों को जो उन लोगों के जो एकेडमिक्स है नेक्स्ट, जो ग्रेजुएशन के पीजी में जाना है और इंटर के यूजी में जाना है ग्रेजुएशन में, तो उन लोगों के क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं 1st September 2020 से। 1 महीने का गैप और है उन लोगों को एक्स्ट्रा, क्योंकि उन लोगों को एंट्रेंस भी लिखना है और काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना है। एंट्रेंस मैं यहाँ मेंशन कर रहा था, डज नॉट मीन कि इट्स गोना बी आफ्टर जुलाई। एंट्रेंस कभी भी मई, जून, जुलाई में रह सकता है अलॉन्ग विथ योर फाइनल्स। एंट्रेंस इज वन एग्जाम, सो आप इसके साइडलाइंस में रखना है, प्रिपेयर उसके अकॉर्डिंग रहे तो अच्छा है आपके लिए। और 1st September को शुरू होने वाला है, ठीक है। और अब से अपने को एक डॉट आता कि दिसंबर में जो है फाइनल्स रहते थे सबके, तो ये बार आप कैसा रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग 4 अगस्त 7 सितंबर में होना, तो ये बार अपने फाइनल्स जो है जनवरी में रहने वाले हैं। 1 महीना पोस्टपोन कर दिया है, जनवरी 1st से 25th और जनवरी के बीच में फाइनल्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर फाइनल्स, न्यू सेम फाइनल्स आर गोना बी इन जैन 2021। सो बेसिकली 2 मंथ्स का गैप आया है, जून जुलाई का, एंड यू हैव शिफ्टेड टू अगस्त। जून में अपने पास शुरू होता था, अगस्त में शुरू हुआ है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस वीडियो मेरे को आपको बोलना है कि यूजीसी वाले जो रिकमेंडेशन दिए, रिकमेंडेशन इन द सेंस दे आर नॉट मैंडेटरी बट मोस्टली ये फॉलो हो सकते हैं, क्योंकि कोविड की सिचुएशन आई है एंड अपने एग्जाम्स नहीं हुए और टाइम कम है, तो 3 आवर एग्जाम्स जो है उसको 2 आवर करने का सोचा है। तो 2 आवर अगर आप करें तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चंस कम करना पड़ता है, या फिर आपको एमसीक्यूज ज़्यादा करना पड़ता, ऐसा पैटर्न बनाना पड़ता ताकि कम टाइम में कवर कर सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करने का कोशिश है, ऑनलाइन इन द सेंस नॉट पूरे एग्जाम्स ऑनलाइन होना, ऐसा नहीं, ऑनलाइन जितना अडेप्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स अगर अपन ऑनलाइन कर सके और जो अपने फाइनल्स है उसको ऑफलाइन करें, या फिर वाइस वर्सा प्रैक्टिकल्स जो है कॉलेज पे करें एंड फाइनल्स ऑनलाइन करें, जो भी है कोशिश ये करना है कि ऑनलाइन जितना हो सके करना। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि ऑनलाइन हो, क्योंकि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, थोड़ा बहुत है नॉट कम्प्लीट, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास इंटरनेट, लैपटॉप एंड फोन का एक्सेस नहीं होता। सो बाहरी कंट्रीज में, वेस्ट कंट्रीज में जैसे कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ईजिली हो जाते हैं, इवन अभी भी हो रहे हैं वहाँ पर, सो वहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपने पास इंडिया में ये चीज़ के लिए अपन प्रिपेयर भी नहीं थे, ना अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। और नंबर 3 चीज़ ये है कि सेकेंड सैटरडे, जो सैटरडे सेकेंड सेकेंड सैटरडे और संडे जिसको हॉलीडे रहती थी 2 डेज, तो अब वो 1 डे हो जाएंगी और संडे ही हॉलीडे रहेंगे। कितने के कॉलेजेस है जिसमें
5 डे वीक रहता था और सैटरडे संडे हॉलीडे रहती थी, लेकिन अब क्योंकि अपने को कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करना है तो 6 डेज रहेगा बैक टू बैक, मंडे से सैटरडे, और ऐसा संडे के दिन ऑफ रहेगा। और एक चीज़ जो फाइनली इन लोग रिकमेंड करे हैं वो है कि क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, अपन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोरोना आएगा और ऐसा एकेडमिक्स को परेशानी हो जाएगी, तो अब से आपको ये कॉलेजेस को इंस्टीट्यूशंस को ये कोशिश करना है कि 25 कोशिश इन द सेंस उन लोगों को मेरे ख्याल से मैंडेट ही कर दिया है लोग कि 25% ऑफ द सिलेबस हैज़ टू बी डन ऑनलाइन एंड 75% ऑफ द कोर्स वर्क हैज़ टू बी डन ऑफलाइन। तो 25% जो है ऑनलाइन मीडियम से होना है एंड 75% ऑफलाइन मीडियम से, तो क्योंकि ऐसा करके ट्रांजिशन में लाना है इंडिया को, टीचर्स को भी मालूम होना कि ऑनलाइन कैसा टीच करें, बच्चों को भी मालूम होना कि ऑनलाइन कैसा करें। अभी भी कोशिश कर रहे हैं अपन लोग व्हाट्सएप जूम के थ्रू पढ़ने की, बट उतना नहीं हो रहा जो होना चाहिए, इफेक्टिवली नहीं हो रहा, वो बहुत माइनर लेवल पे हो रहा। सो ओके, तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ ऑल द थिंग्स। सो आपको मैं इसमें बताया न्यू स्टूडेंट्स ओल्ड स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कब होने वाले हैं और आपका नेक्स्ट सेमेस्टर के कब स्टार्ट होगा, ठीक है, और रिकमेंडेशंस जो जो भी है UGC के। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो यू डेफिनेटली नीड टू सब्सक्राइब एंड शेयर करिए इसको आपके इंजीनियरिंग वाले फ्रेंड्स या बिजनेस जो BBA BCom BBM BMS कर रहे हैं या BCom कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं या काउंसलिंग में फेज में है। सो हर बच्चे को क्लैरिटी नहीं है कि एग्जाम्स कब है, काउंसलिंग कब होंगी, भैया क्या है। तो अब ये जो पैटर्न निकला है दिस इज वेरी रिसेंट, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो यू विल गेट अ क्लैरिटी, सो एंड यू कैन गो हेड विद योर प्लान्स अकॉर्डिंग टू दिस। सो आई होप यू ऑल वुड अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच।